ये है दिल्ली दर्पण। कुछ समय पहले सचदेवा जी हमारे पास आए थे ये टोल टैक्स की समस्या को लेकर, उसका तुरंत ही मैंने संज्ञान लिया और उसके बाद ये आदेश किए थे कि इसको विड्रॉ किया जाए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो गलत है उसके खिलाफ मैं खड़ा हूं और वो गलत नहीं हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस समस्या पर भी हम जो आपने बुलाई है तीन चार, उस पर बहुत गहन अध्ययन करने के बाद उसे हल कैसे किया जाए उसका फॉर्मूला भी हम आपके सामने लेकर आएंगे और जो इमीडिएटली हल हो सकती है उसको भी हल करने की कोशिश। मेरे सचिदाबा जी और यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में मौजूद भवाना एम्बेसी स्टेट के सभी व्यापारीगण, हमारे गाँव से आई माताएं बहनें, मीडिया के साथियों, भाइयों, कुछ समय पहले सचदेवा जी हमारे पास आए थे ये टोल टैक्स की समस्या को लेकर और जो उन्होंने बताया था मुझे ये लगा कि शायद ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है जिसकी वजह से हजारों व्यापारियों को तकलीफ हो रही है। उसका तुरंत ही मैंने संज्ञान लिया और उसके बाद ये आदेश किए थे कि इसको विड्रॉ किया जाए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो गलत है उसके खिलाफ मैं खड़ा हूं और वो गलत नहीं हूं। आपने अभी पानी के जो बिल आ रहे हैं उसकी समस्या को बताया, हमारे जल बोर्ड के सीईओ हमारे साथी हैं उनको मैंने बता दिया है, वो अभी उसकी तुरंत जांच करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है और उसके बाद तुरंत हमें बताएंगे उसका कैसे हल निकाला जाए। जहाँ तक आपकी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का सवाल है, हरियाणा में 8 रुपये और यहाँ 17.5 रुपये है, ये मेरे लिए भी बड़ी एक ताज्जुब की बात है कि एक छोटे से इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ पर लघु उद्योग ही है उनसे इस तरीके से क्यों इतनी हैवी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिए जा रहे हैं। मैं एक बार जरा उसको समझ लूँगा उसके बाद फिर मैं आपके पास दोबारा आऊँगा कि ऐसा क्यों है। एक फ्री होल्ड की भी बात यहाँ पर कही गई, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बात भी मुझे सचदेवा जी ने बहुत समय पहले बताई थी और उस पर कार्य चल रहा है और उस समस्या का भी हल मुझे यकीन है कि हम बहुत जल्द ही निकालने में सफल होंगे। दोस्तों, मेरा अपना मानना है कि लघु उद्योग देश की रीढ़ की हड्डी है और उन्हें सपोर्ट करना सरकार का फर्ज है। सबसे ज्यादा रोजगार देते हैं। एक 500 करोड़ का जब प्रोजेक्ट लगता है तो मैंने देखा है, क्योंकि मैं खुद इंडस्ट्री से आया हुआ व्यक्ति हूं और मुझे इंडस्ट्री के दर्द को समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो वहां पर 500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में अगर जॉब मिलेगी तो 200 या 250 लोगों को मिलेंगे, लेकिन छोटे उद्योगों में 25 लाख का लोन अगर कोई छोटा सा उद्योगपति लेता है और एक छोटी सी यूनिट लगाता है तो 5-5, 6-6 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। तो इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए, जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है और सबसे कम कीमत में करती है उसे सपोर्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस समस्या पर भी हम जो आपने बुलाई है तीन चार, उस पर बहुत गहन अध्ययन करने के बाद उसे हल कैसे किया जाए उसका फॉर्मूला भी हम आपके सामने लेकर आएंगे और जो इमीडिएटली हल हो सकती है उसको भी हल करने की कोशिश। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरा इतना
पुरजोर स्वागत किया। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी अपनी ड्यूटी है कि मैं दिल्ली के उपराज्यपाल की हैसियत से जो दिल्ली के लोगों को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे सकूँ वो देने की कोशिश करूँ। साथ एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।